हे गाइस, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये है हमारी 2006 मॉडल महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं 2023 मॉडल क्लासिक में। तो भाई, ये इस गाड़ी का तीसरे नंबर का पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेक कर सकते हैं। आज इस गाड़ी के अंदर जो पेंटिंग का वर्क हुआ है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए। ये हमारी 2006 मॉडल है, जिसका कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग 2023 क्लासिक मॉडल के अंदर। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारी बुलेरो सॉरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसके फ्रंट जो बम्पर है, हम लोगों ने उसको मॉडिफाई कर लिया है और इसमें जो क्लासिक वाला बम्पर है वो डाल दिया है। इसके अलावा इसके कलर पेंटिंग की बात करेंगे कि जिसमें जो कलर और डेंटिंग पेंटिंग का जो काम अभी इस गाड़ी के अंदर हो गया है, वो किस तरीके से किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा सामने का जो अलाइनमेंट है चेचे से, इसको पूरा प्रॉपरली यहाँ पर फिक्स करने के बाद में इसमें पेंट वर्क किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्लासिक वाले जो हेडलैम्प्स आते हैं वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। साथ ही साथ बोनट देखेंगे तो जो क्लासिक वाला बोनट रहता है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा एज इट इज़ यहाँ पर लगा कर इसके ऊपर पेंट वर्क कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट ये जो गाड़ी है, इसका काम हो चुका है। फ्रंट और रियर जो कन्वर्जन है वो हम लोग ने कर दिया है। देन इसके बाद में अभी जो कलर पेंटिंग की बात करेंगे, जो डेंटिंग पेंटिंग हुई है, इसकी क्वालिटी वगैरह आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वालिटी आप देखिए, जो इसके अंदर कलर किया है, एकदम प्रीमियम क्लास का कलर किया गया है। प्रॉपर कोटिंग दी गई है, जिससे गाड़ी की जो शाइनिंग है और काफ़ी बरकरार आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे, साइड में जो फेंडर्स है उसके अंदर भी प्रॉपर पेंटिंग जॉब किया गया है। यहाँ पर भी पूरा पेंटिंग जॉब किया गया है। यहाँ आप देखेंगे, वाटरप्रूफ यहाँ पर कोटिंग की गई है, जो कि ये पूरा जो एरिया है सड़ चुका था, तो उसके लिए जो वाइट वाटरप्रूफ कोटिंग आती है वो हम लोग करी, उसके ऊपर पेंट जॉब किया। अब इसके ऊपर जो ग्लास लगाने का काम है वो बाकी है। साइड प्रोफाइल की हम लोग बात करेंगे भाई, तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि पूरा जो पेंट का वर्क है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये हमारी 2006 मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक कन्वर्जन इसका जो हमारा चल रहा है, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में भी पेंट का जॉब ऑलमोस्ट पूरा डन हो चुका है। और क्वालिटी इसके अंदर एकदम प्रीमियम क्लास की देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ आप देखेंगे जो कलर्स हैं उसके एकदम प्रॉपर यहाँ पर लगा दिया गया है, और जो फिटिंग है वो अभी बाकी है। रियर साइड में देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये इसका जो पिलर लाइट है वो डिज़ाइन बनाया गया है, और ये पूरा का पूरा जो टेल लैम्प है पीछे के उसके लिए बनाया गया। नीचे का फेंडर जो है आप यहाँ पर देखेंगे, फेंडर नीचे का जो है, ये स्टेप भी यहाँ पर नया डाला गया है, जो कि आपको क्लासिक मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर अभी फिनिशिंग का काम, इंटीरियर का काम बाकी है। अंदर से भी पूरी जो गाड़ी है उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग का काम अंदर से भी कर दिया गया है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। सारा का सारा काम जो पेंटिंग का रहता है वो यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए, तो अभी गाड़ी के अंदर नया डैशबोर्ड हम लोग डालेंगे, और जो फ्रंट बम्पर है वो भी पेंट हो चुका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो हमारी ये जो गाड़ी है ना, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। पेंट जॉब इसका जो हो चुका है कंप्लीट। ऊपर में भी आप रूफ में देखेंगे तो रूफ पर भी पूरा पेंट किया है। जो सड़न गलन थी इसके अंदर, जो जंग लगे हुए थे, वो सारा का सारा निकाल दिया है। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या थी और अभी गाड़ी की कंडीशन क्या है। हेडलैम्प्स लग चुके हैं इसके, और अब जो है फ्रंट बम्पर इसमें इंस्टॉल होना है। रियर वाला जो गेट हम लोग ने क्लासिक वाला डाला है वो इंस्टॉल होना है, और उसके बाद में इसका जो इंटीरियर का काम है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द ही ये गाड़ी का आपको पूरा वर्क देखने को मिलेगा। ये तीसरा पार्ट है, जल्द ही हम इसका चौथा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको इसके इंटीरियर वर्क के बारे में बताएंगे, और अभी जो ग्लासेस वगैरह वो इंस्टॉल होने के बाद में इसका लुक भी बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो बैक साइड का जो हमारा गेट है वो ये है स्कॉर्पियो के लिए, ये भी पेंट हो गया है पूरा। और ये वाला जो गेट है अभी हम लोग पीछे साइड में लगाएंगे, और जो फ्रंट बम्पर है वो आप देख सकते हैं, ये जो फ्रंट वाला क्लासिक वाला बम्पर जो आपको मिलता है, ये बम्पर भी अभी पेंट होने के लिए यहाँ पर आ गया है। तो उसमें एक लेयर और पेंट का इसमें लगने वाला है, उसके बाद में ये बम्पर भी हमारा जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर फॉग लैम्प के लिए एरिया है, नंबर प्लेट के लिए एरिया है। तो ये जो बम्पर है क्लासिक वाला, ये हमारा पेंट जॉब में भी डला हुआ है। पेंट होने के बाद में हम लोग इसको हमारी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। गेट हमारा ऑलरेडी रेडी है, और ये जो गाड़ी है भाई हमारी, यहाँ देखेंगे, ये हमारी 2006 मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक कन्वर्जन में अब जल्द ही रेडी होने वाली है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके लिए लाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि गाड़ी के अंदर सारे फिटिंग होने के बाद में कैसा लुक आता है, और अंदर का इंटीरियर का काम जो है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, ये हमारी स्कॉर्पियो 2006 मॉडल है, और ये डेंटिंग पेंटिंग का काम मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको सारी फिटिंग्स और उसके बाद इंटीरियर का जो वर्क चालू होगा उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।